एक एक करके सब देवता निस्तेज होकर लौट गए। देवराज इंद्र का भय बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, उधर ध्रुव का तप बढ़ रहा है, तप का तेज बढ़ रहा है, तप का तेज बढ़ा ध्रुव के। समष्टि के प्राणों के साथ जब एकात्म हो गए ध्रुव, तो ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली। जैसे मैंने कहा ना, पहले 3 दिन के अंतराल पर खाते थे, फिर 6 दिन के बाद आहार करते थे, फिर 12 दिन के बाद वो भी छोड़ दिया, केवल वायु का आहार करके रहने लगे। आप कहीं ऐसा कोई प्रयोग ना कर बैठना। वो तो ध्रुव जी थे सुनने वाले, और बताने वाले नारद जी थे। अपन तो यहां दोनों तरफ से आधे अधूरे हैं। हाँ, पर कुछ ना कुछ अवश्य कथा संकेत कर रही है कि धीरे धीरे ध्रुव जी के जीवन में संयम बढ़ता गया, धीरे धीरे ध्रुव जी के जीवन में आत्मनियंत्रण बढ़ता गया, धीरे धीरे जब साधना परिपक्व हुई तो क्या परिणाम आया, स्वयं पर नियंत्रण बढ़ता गया। और कल आपको स्मरण हो तो मैंने एक शब्द का चिंतन किया था व्यासपीठ से, स्वतंत्र, अपना तंत्र, your own mechanism, when your own mechanism is in your hand, then you are स्वतंत्र, you are independent, you are free. बंधन मुक्त कौन है, किसको मुक्त जानना चाहिए, किसको मोक्ष मिला है? जो इच्छा से मुक्त है वही मुक्त है, जो इच्छा से मुक्त है वही मुक्त है, जिसका अपना तंत्र उसके हाथ में है, जो मन के पीछे नहीं चलता, जिसका मन संकल्प का अनुगमन करता है। मन पहले भी कई बार आपसे चर्चा हुई, मन भला भी नहीं है, मन बुरा भी नहीं है, जिसमें लगाओ उसके जैसा है। पर यदि मन को लगाने वाले आप हैं तो फिर मन के जैसा कोई मित्र नहीं है, और मन यदि आपको लगाने वाला है तो फिर मन के जैसा कोई शत्रु नहीं है। शास्त्र कहता है बंधन का कारण भी मन है, मोक्ष का कारण भी मन है, जन्म जन्मांतर का बंधन भी मन ही के कारण है, और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति भी मन ही के कारण है, मन। तो यदि आप मन को लगाएं, अर्थात मन आपके नियंत्रण में हो, तो फिर मन के जैसा कोई मित्र नहीं है। हाथ में तराजू होगी और मांस तोलता होगा कोई, आंखों से प्रेमाश्रु झरते होंगे, सालीग्राम की बटिया उन प्रेमाश्रुओं का अभिषेक प्राप्त करके और प्रसन्न होती होगी, चमड़ा धोते होंगे रैदास जी और प्रकट करके दिखा देते होंगे संसार को, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी। रैदास जी के जीवन में देखने को मिलता है कि जब रैदास जी की प्रतिष्ठा हो गई, माने रैदास जी लोक मान्य हो गए, संसार रैदास जी की महिमा से परिचित हो गया, उसके बाद भी रैदास जी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, कठौता नहीं छोड़ा, उस कठौते में गंगा को प्रकट करके दिखाया। यही बात मैं आपसे निवेदन करता हूं, बार बार भक्ति में सामर्थ्य है संसार को छोड़कर, संसार को छोड़कर कहीं वन में जाकर मंदिर बनाना ये भक्ति नहीं सिखाती, जहां पर आप हैं उसी संसार को मंदिर बनाना ये भक्ति का कार्य है। आप वृंदावन में घर बनाते हैं, क्या हुआ आपके और मेरे वृंदावन में घर बनाने से? यदि मैं आपसे पूछूं, आप वृंदावन में घर बनाते हैं, मैं भी बनाता हूं, बनाया मैंने भी, रह रहा हूं वहां पर यदि हम दूर से देखें तो आप और मैं वृंदावन में घर बनाने चले, क्या हुआ, वृंदावन वृंदावन ही नहीं रहा। तो मैं तो पहले दिन से निवेदन करता आया कि एक दशा है वृंदावन में घर बनाइए, और एक सुविधा ये है कि घर को ही वृंदावन बना लीजिए, आपका घर वृंदावन बन जाए, क्यों ना बने।
और कोई मैं कोई किसी दूर की कौड़ी की बात नहीं कर रहा, और किसी वाग जाल में भी नहीं उलझा रहा आपको, और कल्पना के किसी दूसरे लोक में भी नहीं लिए जा रहा, इसी लोक में घटा है ऐसा। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही धरे, तू धरे नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू पे ना डरे, ना डरे काहू पे ना डरे, ना डरे ऐसी लाल तुझ बिन कौन। और मुझे तो भाई पलायन करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, जो भाग जाना चाहता हो। मम माया दुरत्या भगवान कह रहे, कौन सुनिश्चित करेगा कि छोटा सा घर छोड़कर जाओगे और बहुत बड़ा घर बना लोगे कहीं जाकर। इसलिए जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा, और उपासना की किसी और विधा का मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन गुरुजनों की कृपा से, अपने सदगुरु के अनुग्रह से, इन संतों के प्रसाद से भक्ति के विषय में इतना अवश्य कह सकता हूं कि चलता फिरता ईंट और पत्थर का, ईंट और पत्थर का मंदिर भक्ति बनाती हो कि नहीं बनाती हो, पर चलते फिरते व्यक्ति के मन को मंदिर बना देती है, वो जहां जाता है तीर्थ हो जाता है। तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्था, मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ रा। फिर आपको याद करा दूं और आगे बढ़ूं, इबादत कर इबादत कर इबादत दे, किसे दे अज बन दिए, किसे दे कर बन दिए इबादत कर। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया हो भैया रे, सफल बना ली काया। कौन मीरा की वो अमर प्रेम कथा गाता, कौन सुनता, कौन कहता और कौन सुनता, यदि वो विष अमृत नहीं होता। मैं तो मान लेता हूं कबीर की बात कि ये संसार कांटों की बाड़ी। अभी कल मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं, एक किसी ने जाकर एक महात्मा से शिकायत की, बोले महाराज आपका शिष्य मदिरा पीकर प्रार्थना कर रहा था। उसने निंदा की जाकर कि अब गुरु क्रोधित होंगे, और महात्मा बड़े प्रसन्न गदगद हो गए। वो व्यक्ति हैरान कि मैंने तो किसी और उद्देश्य से बताया था कि आपका शिष्य मदिरा पीकर प्रार्थना कर रहा था। महात्मा ने कहा मेरा गुरु होना सफल हो गया कि मेरे शिष्य मदिरा पीकर भी प्रार्थना करनी नहीं भूलते, वो मदिरा पीकर भी प्रार्थना करनी नहीं भूलते। हो सकता है मेरी विचारधारा कुछ लोगों से अलग हो, पर थोड़ा सा अनुभव हुआ है मुझे कि भाई अंत में भी, सब कर लेने के बाद भी, अंत में भी अगर कोई आपको चुनेगा तो वही चुनेगा। आपके मेरे किए से कुछ बहुत कुछ होगा नहीं, करना बस आपकी मेरी विवशता है, आवश्यकता है, और इसी में प्रसन्नता भी है, तो क्यों ना किया जाए। मैंने कहा था चलना विवशता हो तो क्यों ना प्रभु की ओर ही चला जाए, यहां वहां क्यों चलना। पर फिर भी कभी कोई अंतिम निर्णय होगा आपके और मेरे लिए, तो वो उसी का होगा।
उसी का होगा। सूरदास की अविद्या तो नंदलाल दूर करेंगे। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, जो भीतर बाहर से अंधा है, इसे ना बाहर पग पथ सूझता है और ना भीतर, उसकी अविद्या कभी दूर करेंगे तो नंदलाल दूर करेंगे। इसलिए कर बांधे बस प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करते करते, जहां जिस अवस्था में है एक बार ईमानदारी लाइए अपने जीवन में। दोष का परिहार संसार के मध्य में रहते हुए हो, समझना साधना सफल हो रही है। संसार की प्रतिकूलता प्रतिकूलता ना लगे, समझना भक्ति फल रही है, फूल रही है। जब दुख से बचने की चेष्टा ना हो, सुख का आकर्षण ना हो, समझना उपासना ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सब कसौटियां वन में रहकर नहीं प्रत्यक्ष होंगी, यही संसार में रहकर सधेंगे तो आप, यही रहकर। बंद तो कहीं भी सकते हैं पर सधेंगे तो आप यही रहकर। और मुझे लगता है कि भक्ति में ही इतनी सामर्थ्य है कि काजल की कोठरी में कोई रहे और उजला रहे, निर्लिप्त रहे, निर्लिप्त अंछुआ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। यहीं से आरंभ करिए। नामदेव रस पिया अनुपम सफल बना ली काया, हो भैया रे सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को आया, हो भैया रे रस छाया, रोम रोम रस छाया। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। उत्सव मनाते हुए एक बार दोनों हाथ उठाकर कही है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद। और ये जो दो चार बड़े आदमी बैठे हैं ना यहां ऐसे करके, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आएगा। गोविंद जय जय गोपाल बार।
नीचे वाले नहीं, बस ऊपर वाले। गोविंद स्वर मिलाकर सब लोग नाम रस साधना सफल हो रही थी। क्या लक्षण प्रकट हुए? ध्रुव के हृदय में आनंद बढ़ रहा है, प्रकृति उत्सव मनाने लगी ध्रुव की उपलब्धि का। अगाध आनंद रोम रोम से झर रहा था सत्यचित्त आनंद उस बालक के। शरीर क्षीण अतुलित तप, और उस अतुलित तप का अमित तेज दसों दिशाएं ध्रुव के तेज से आलोकित। और जैसे ही ध्रुव जी ने प्राणवायु रोकी, सारी सृष्टि के प्राणी उनकी श्वास रुक गई। देवता निस्तेज बेहाल, समग्र अस्तित्व में गुंजायमान एक ही शब्द, गोविंद जय जय गोपाल। पांच वर्ष का नन्ना बालक, उसे मेनका के रूप से क्या लेना देना। हां, मां का करुण शब्द उसे अवश्य विरत कर सकता था उसके तप से। ध्रुव जी के नेत्र मुंदे हैं,
श्वास नहीं चल रही, श्वास पर नियंत्रण, जीत लिया प्राणवायु को, आकुल व्याकुल सृष्टि। मुझे स्मरण आ रहा है जब मैं बहुत छोटा था, एक ब्रह्मज्ञानी संत थे हमारे यहां, कभी कभी आते थे, थोड़ा उनका सत्संग करने का मुझे अवसर मिला। आज उनका कहा वाक्य स्मरण आ रहा है, वो कहते थे बेटा मनुष्य के पास ऐसी सामर्थ्य है कि यदि वो चाहे तो वो यहां भजन करे और वहां देवताओं का सिंहासन हिल जाए। मनुष्य के पास ऐसी सामर्थ्य है। दुर्लभ भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मेनका आई, माता के स्वर में कहती है कि पुत्र चल लौट चल, मैं तेरे बिना बड़ा कष्ट पा रही हूं, मुझे बड़ा कष्ट है, मैं तेरी चिंता में आकुल व्याकुल, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं तेरे बिना, ये हिंसक पशु तेरे प्राण ले लेंगे, त्रुटि हो गई मुझसे, भूल हो गई मुझसे, जो तुझे मैंने इस कठोर मार्ग पर डाल दिया, तू मेरा फूल सा सुकुमार बालक, बड़ा करुण स्वर मेनका का। पर ततिवाउ न लग गई पार ब्रह्म सरना, ततिवाउ न लग गई पार ब्रह्म सरना, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बणत बना, राम नाम औखद दिया, एक लिवलाई ततिवा और मुझे तो लगता है भाई जीवन में प्रतिकूलता ना हो, आप ही ने पूछा कि अंधकार ना हो तो फिर प्रकाश का अस्तित्व कैसे सामने आए, भगवत कृपा किस प्रकार से अनुभव में आए जीवन में। मैं कई बार आपको सुनाता हूं ना, गिरिराज जी वाले बाबा रोज परिक्रमा लगाते और रोज गिर जाते, ठाकुर जी को उठाने आना पड़ता। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, बोले बाबा ना तो तू चैन से बैठो, ना तो तू बैठे चैन से, ना मुझे बैठने दे, तू यहां गिरे मुझे वहां से दौड़ के आना पड़े। तो बाबा ने कहा कि जय आप उठाने चले आओ, बस यही मारे मैं गिरने चला आऊं, आप उठाने आ जाते हो बस इसीलिए मैं गिरने चला आता हूं। पर एक नहीं चली मेनका की, अरे कहां एक, एक 5 वर्ष का ब्रह्मचारी बालक मन में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लिए हुए 6 महीने की कठोर साधना साध लिया, जिसने गुरु के मंत्र का आधार लेकर स्वयं को मन बुद्धि चित्त के सारे विक्षेप दूर हो गए, सूक्ष्म अहम पर पड़ा आवरण भंग हो गया त्रिभुवन गुरु की कृपा से, और कहा उस क्षण भंगुर रूप की पुतली का वो मेनका। अब देवराज इंद्र के पास पहुंचे, देवर्षि नारद अपने शिष्य की चिंता हुई और देवराज इंद्र से कहा कि ये क्या मूर्खता कर रहे हो देवराज, अपना स्थान अपना सिंहासन बचाने के लिए ऐसा घोर पाप, ऐसा घोर अनर्थ, इस कर्म का बीज पड़ेगा क्या फल आएगा जानते हो, क्या प्रभु के कोप का सामना कर सकोगे, तो फिर क्या करूं देवर्षि, मेरा सिंहासन डोलता है, मैं अपने सिंहासन पर बैठ नहीं पाता,
रोक लिया इसने, इसने समष्टि की वायु के साथ अपने प्राणों का एकात्म स्थापित करके रोक लिया इसने श्वास वायु को। हम सबकी श्वास रुकी जा रही है, श्वास लेना दूभर हो गया हमें, इसके तप का तेज दुस्सह है, असह्य है हमारे लिए। फिर बताइए करूं तो क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। नारद जी तो चाहते थे कि देवराज इंद्र जाएं, प्रभु से कहें कि प्रभु किसी भी प्रकार से इसे तप से हटाइए और प्रभु को जाना पड़े। अब सीधे सीधे प्रभु इसलिए नहीं जा रहे होंगे शायद कि भाई अभी तो 6 महीना हुए, अगर हम चले गए तो सब हमें कहेंगे कि हमको 6 जन्म हुए, हमारी ओर तो देखा नहीं, और ये बालक 6 महीना से लगाए भजन में और आप दौड़कर चले गए, तो हम पर पक्षपात का आरोप लगेगा। तो देवर्षि नारद ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। इसीलिए कहा है जब मुर्शिद काबिल हो फिर बात खुदा से होती है। इसीलिए आगे भी आपसे कहा था, आज फिर दोहरा दूं, रामनवमी का पवित्र दिन है, कि आपका संकल्प सफल हो जाए ऐसी मेरी शुभकामना, पर आपका सफल न हो संकल्प तो चिंता न करना, फिर आपके गुरु का संकल्प कार्य करेगा। वहां भी कभी आप ही की पात्रता के अभाव से कोई कमी रह जाए तो बिल्कुल भी चिंता न करना, जिस आचार्य की शरण में आप और हम हैं इनका संकल्प कभी निष्फल नहीं होगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल बिगड़ती बनती बात अंत में बन जाएगी। आप बस सीधे सीधे हरि भजते रहना, साधु संग करते रहना, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन रात। आपकी निष्ठा बढ़े, आपका विश्वास बढ़े, श्रवण के प्रति आपका आदर बढ़े, कथा के प्रति आपका भाव और समर्पित हो, ये शुभ कामना मैं यहां से आपके लिए निवेदन करता हूं। आचार्य चरणों में देवता पहुंचे, आगे आगे नारद जी, कहा कि आप ही चलिए, संत की ओट लेकर ही भगवान के पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा आप आगे आगे चलिए, और वैसे भी विषय और विलास में पड़े देवताओं को बैकुंठ का रास्ता मिले भी तो कैसे मिले, बहुत सुख का अभ्यास हो जाए फिर भजन का मार्ग नहीं मिलता। तो जो जो स्वर्ग के सुख में, जो स्वर्ग के सुख में अपने आत्म स्वरूप को भूले बैठा है, उसे बैकुंठ का रास्ता कौन दिखाए। देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे आगे आगे चलिए। आगे आगे चल रहे हैं देवर्षि नारद, और पीछे पीछे देवराज इंद्र और अन्य देव। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण। पहुंच गए वैकुंठ धाम, नारद जी के पीछे पीछे सब देव, जाकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये बालक, इससे पहले देवराज कुछ कहते भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं देवराज क्या कहने के लिए आए हो, पर सुनो, न तो ये बालक इंद्र बनना चाहता है और न उसे सूर्य होने की अभिलाषा है, वो तो केवल मेरे विशुद्ध के चरणारविंद के प्रेम में बंधा, मेरे चरण कमलों का मकरंद पान करने हेतु भ्रमर होना चाहता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर प्रभु आपके चरणों में आना विवशता हो गई थी, उसके तप का तेज अब हम लोग सहन नहीं कर पा रहे, दुसह्य हो गया है उसका तेज, श्वास प्रश्वास की गति पर उसने नियंत्रण पा लिया है, समष्टि वायु के साथ एक हो गया है वो, बड़ी अद्भुत सी स्थिति उसने तप के तेज से प्राप्त कर ली है, अब किसी प्रकार जाकर उसे तपस्या से विरत करिए और हम लोगों को सुख की सांस आए। देवता अर्थात सुख समृद्धि वैभव अनुकूलताएं, जब तप बढ़ता है जीवन में, जब तप का तेज बढ़ता है जीवन में, फिर कुछ देर पहले मैंने आपको कहा कि संसार बुरा नहीं है, संसार की इच्छा वो बांध लेती है आपको, जो संसार में आकर्षण है वो आपको दुर्बल बना देता है, निर्बल हो जाते हैं आप, क्षीण हो जाते हैं आपके संकल्प बल उस समय जब संसार आकर्षित करने लगता है आपको, निर्भय होकर विचरण करता है भगवान का भक्त यहां, जिसने चरण कमलों के मकरंद का पान कर लिया है। तो प्रभु ने कहा तथास्तु, देवताओं को लगा कि हमारा कार्य सद गया, नारद जी को लगा
कि मेरा शिष्य अब सफल होगा। और प्रभु को लगा कि 6 महीने से प्रतीक्षा कर रहा था, अब घड़ी आई जब जाकर अपने भक्त का दर्शन करूंगा, भक्त को दर्शन दूंगा नहीं, जब जाकर अपने भक्त का दर्शन करूंगा। ध्रुव तप में विरत, मनोनिग्रह की सीमा का अतिक्रमण करके पहुंचे थे ध्रुव। नारद जी ने मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। द्वादशाक्षर मंत्र के प्रभाव से इस विषय पर आगे कई बार चर्चा हुई कि नाम जपते जपते जब आप निष्काम होकर नाम जप करते हैं तो फिर नामी का स्वरूप आपके भीतर प्रकट होने लगता है। बिल्कुल ठीक यही ध्रुव जी के साथ घटा। इस मंत्र का जो देवता है चतुर्भुज नारायण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं मेघवर्णं शुभा, चतुर्भुज स्वरूप ध्रुव के भीतर मन मंदिर में और अंतर में प्रकट, और ध्रुव प्रभु के रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आहे प्यार। आपको नहीं लगता कि पानी पीने का सुख तभी है जब आप बहुत प्यासे हैं? जल का जो सुख है वो जल में नहीं है, जल से अधिक प्यास में है। प्यासा ध्रुव और उस त्रिषित चकोर की भांति श्री ठाकुर जी के चरण कमल का, कभी मुख कमल का, जो जो उर अंतर में मंत्र मूर्ति प्रकट हुई। इसलिए जिसने भी आज पूछा ना कि पहला पग क्या है, भाई यहां पहला पग भी नाम स्मरण है और अंतिम पग भी नाम स्मरण है। साधक के लिए एक ही कृत कर्तव्य है, श्वास श्वास सिमरे गोविंद मन अंतर की उतरे चिंचिन। और महाराज तो कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं रट रसना दिन रैन प्रथम नाम हरिवंश हित, और प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। कहीं किसी और पग पे क्यों चलना है आपको, जब सेवक जी कह रहे हैं एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, मन क्रम वचन कहो नित टेरे श्री हरिवंश प्राण धन में। रटिए, पहुंचिए वहां जहां नामी अपना स्वरूप, नामी वो आवरण भंग करने के लिए विवश हो जाए। ध्रुव जी के साथ यही हुआ, और अंतर में श्री हरि का चतुर्भुज वो दिव्य स्वरूप आलोकित होने लगा, प्रकाशित होने लगा। प्रभु आए, ध्रुव जी के सन्मुख हैं, भीतर भी भगवान बाहर भी भगवान, और यही उपासना की सिद्धि है। जब भीतर भी भगवान हो और बाहर भी भगवान हो। प्रभु ने पुकारा, ध्रुव जी ने नहीं सुना, और अंतर में जो स्वरूप प्रकट था उसी की रूप माधुरी का पान करने में मगन मन ध्रुव, सुना नहीं। तब भगवान ने क्या किया, जो उर अंतर में प्रभु की झांकी प्रकट थी वो भगवान ने हटाई, और जब भगवान की वो छवि, जब प्रभु के रूप माधुरी का वो रस मिलना बंद हुआ श्री ध्रुव जी के अंतःकरण को, तब ध्रुव छटपटाए, जैसे जैसे एकाएक मीन को कोई जल से बिलग कर दे, कोई मछली को जल से दूर कर दे तो कैसे मछली छटपटाने लगती है। जब वो उर अंतर से भगवान की झांकी हटी तो छटपटाए ध्रुव, और जैसे ही नेत्र खोले, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वो जो भावना में कभी रूप प्रकट हुआ था, बड़े बड़े रत्नारे भगवान के नयन, जो कृपा का रस उड़ेल रहे हैं, मानो अभिषेक कर रहे हैं अपने अपने इस लाडले भक्त का तीर के जैसी, भगवान की वो मन प्राणों को बेध जाने वाली पर अत्यंत करुणापूर्ण दृष्टि कमान के जैसी भोह। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, दिव्य मूर्ति भगवान की,
और भगवान का दर्शन करते ही एक बार तो अके जके थके रह गए ध्रुव, रोम रोम तृप्त हो गया ये प्राप्य, न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमति नोत्साही भवति, जड़ हो गए ध्रुव, वो जो रस जन्य जड़ता थी, रोम रोम रस से परिपूर्ण, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, मन प्राण भीतर तक एक गहन मौन, और उस गहन मौन में सामने दृष्टि के सामने लहलहाता वो रूप का समुद्र क्या कहते। ध्रुव जी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार भगवान की स्तुति करूं, पर क्या मुख ले विनती करूं, जो मन वाणी से परे है वाणी कैसे उसका स्पर्श करे। रस भीतर समा नहीं रहा, बाहर आना चाहता है, और बाहर आने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, वाणी की आवश्यकता है, भीतर समा नहीं रहा, बाहर आ नहीं रहा, प्रेम के भार से दबने लगे ध्रुव। भगवान ने भक्त के हृदय की मन की कामना जानी, और श्रीमद नारायण ने अपना वो ज्ञान स्वरूप शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया, और जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से अपना शंख स्पर्श कराया, पराविद्या ध्रुव जी को प्राप्त हुई। और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी करते हैं श्रीमद् भागवत में, ध्रुव स्तुति बड़ी सुंदर स्तुति है, अब उस पर तो कभी विस्तार से चर्चा अपेक्षित है, पर आप और मैं भाव से, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ है, आप और मैं भी भाव के नेत्रों से प्रभु के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करते और कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेव। नरसिंहं नागनाथं च त्वं वन्दे नरकान्तकम्। यशोदानंद नायकम्।
యమునాజన్ కల్లోరి యమునాజన్ కల్లోరి తుం వందే యదునాయకం చరాచర గతం దేవం తం వందే చక్రపాణినం
गोवर्धनोद्धरं धीरं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे राधिका प्रियं तं वन्दे राधिका प्रियं अपनी उस तोतली सी भाषा में सुनाता है माता पिता को कोई कविता, तो माता और पिता का हृदय साक्षी है कैसा आनंद होता है। नन्हा सा भक्त, अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल, जिसकी भावना और ऐसी सुंदर स्तुति भगवान की करता है, कैसा आनंद प्रभु के हृदय को हुआ कि भगवान ने कहा दीर्घ काल तक इस सृष्टि का, इस राज्य का उपभोग करके मेरे धाम में आना। ध्रुव जी का मन उदास हो गया कि हाँ प्रभु, मैंने कामना से आपका भजन किया, मैं राज सुख की कामना से, उस सिंहासन पर बैठने की कामना से आपके चरण कमलों को भजने निकला था। उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आप जब तक आपको नहीं देखा था तब तक हो सकता है मन में कामना का लेश रहा हो, पर अब किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। प्रभु अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में कामना नहीं है, पर मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है कि सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। आपकी जिस कामना को आप भी नहीं जानते प्रभु उसे भी पूरा करते हैं। जो कामना हुई प्रभु केवल उसे नहीं पूर्ण करते, जो कामना कल होगी प्रभु उसकी व्यवस्था भी आपको करके देते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। कहा ध्रुव मैं तुम्हें देना चाहता हूं, यदि तुम राज्य सुख का उपयोग करोगे तो मुझे सुख होगा, मेरे मन के सुख के लिए, मेरे मन के आनंद के लिए इस वर को स्वीकार करो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। जब नगर में पहुंचे, सुनीति के आनंद का तो क्या कहना, भगवत विश्वास मूर्तिवंत हो गया, पिता को भी बोध हो गया कि ऐसा भक्त पुत्र मैंने पाया। और ध्रुव जी ने सबसे पहला प्रणाम किसे किया, सुरुचि को जाकर, जिसके उस वाक्य से मर्माहत होकर भजन का मार्ग मिला था, पहला प्रणाम उसको जाकर किया। और कथा तो यह भी कहती है कि जब ध्रुव जी जा रहे थे भगवान के धाम को, जब भगवत पार्षद ध्रुव जी को वैकुंठ लेकर जा रहे थे, तो ध्रुव जी बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। भगवत पार्षदों ने कहा कि भगवान के धाम को जा रहे हैं आप, इस प्रकार पीछे संसार की ओर मुड़कर देखना अच्छा नहीं है। ध्रुव जी ने कहा संसार की ओर नहीं देखता, पर मेरी माता जिसके कारण मुझे कारण भजन किया, जिसकी प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर भजन के पथ पर आगे बढ़ा, उस मां की ओर देखता हूं। तो भगवत पार्षदों ने कहा मां को देखना है तो पीछे नहीं आगे देखिए, वो आपसे पहले भगवान के धाम को जा रही है, क्योंकि उसने भजन करने की प्रेरणा दी है आपको। आपके पहुंचने से पहले वो प्रभु के धाम को जाएगी, वो प्रभु के धाम में पहुंचेगी, आप उनकी ओर से निश्चिंत रहे। तो भजन करने वाला वो तो बड़ा भागी है ही, भजन की प्रेरणा देने वाला उससे भी बड़ा बड़ा भागी है। भूरि दा जना श्रीमद भागवत कहती है, तो आप तो भजन करना ही, पर भजन करके जीवन में प्रतिष्ठित कर सके आप कुछ दिव्य गुण, जिसे आकर्षित होकर, इसे प्रेरित होकर कोई भजन के मार्ग पर चल सके, हो सके तो स्वयं के जीवन को प्रेरणा बनाने का भी प्रयास करना कि आप किसी के अंधियारे मार्ग में एक दीपक बनकर जल सके। इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामना के साथ, ये अत्यंत सुंदर, मन को भक्ति भाव से भर देने वाला, अत्यंत पवित्र चरित्र व्यासपीठ की सन्निधि से प्रसाद स्वरूप आपको मुझे प्राप्त हुआ, आचार्य चरण कमलों में निवेदन करते हुए
और श्री युगल सरकार की कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चर्चा का प्रसाद हरि शरणम श्री हरि शरणम सत्र का विश्राम, और इस विश्राम के इस क्षण में आप सबकी साक्षी में महाराज श्री भी बैठे हैं, आचार्य प्रभु का भी सानिध्य है। एक प्रणाम मैं भी यहां से अपनी माता के चरणों में निवेदन करता हूं। उनको आना था, किसी कारण से नहीं आना हुआ, पर मैं यहीं से एक मानसिक प्रणाम उनके चरणों में भी निवेदन करता हूं, क्योंकि चलना सीखा तो उंगली पकड़कर मंदिर का रास्ता उसने दिखाया, कुछ कहना सीखा तो इसका इनका गुण गाने का संकल्प भी उसी मां का था, और करना सीखा तो इन संतों की सेवा करना भी उसी मां ने सिखाया। तो मेरे हृदय से माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, और चुकाना भी नहीं चाहिए, उनका ऋणी ही बने रहना अच्छा है। पर फिर भी कृतज्ञता का एक भाव अवश्य मैं भी व्यासपीठ से संतों की सन्निधि में अपनी मां के चरणों में निवेदन करता हूँ, और साधक होने के नाते उनके लिए शुभकामना भी करता हूँ कि मनुष्य जीवन का फल भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, भगवत भजन उनके जीवन में हो, और आप सबको भी शुभकामना देता हूँ, और आप सबसे शुभकामना चाहता भी हूँ कि आपके मेरे जीवन में यही पवित्र क्षण, यही व्यासपीठ की सन्निधि, इन संतों का संग, इनकी सेवा और प्रभु के प्यारे भक्तों का ये चरित्र चिंतन इसी प्रकार से बना रहे। प्रभु के चरण कमलों का स्मरण करते हुए हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम रसीली मन सकल जंतु तापन हरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम
जय जय हरिवंश शरण शरणम।